स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सीधी राजस्थान अलवर मार्केट से। वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों। आज ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ खरीदारी हो ही जाती है मार्केट। साथ वाली के साथ में गई थी यानी चारू के साथ। उनको कुछ लेना था, मुझे कुछ नहीं लेना था, लेकिन ऐसे होता है कभी तो कभी कभी हो जाता है ऐसे कि आप नहीं लेना चाहते हैं लेकिन जब जाते हैं साथ पे तो मेरे पास टी शर्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं टी शर्ट yes. हमारी प्यारी सी मैडम के साथ पहना है ये वाला। आएगा मुझे आराम से। ये तो ले जाना। अच्छा लग रहा चारू ये भी आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं पर्स। अच्छे अच्छे आप भी देखो। चारू ले रही है पर्स और मैं दिखाती हूँ अच्छा वाला पर्स। सी स्पेस का प्रॉब्लम है। मेरे गाइस बताएंगे कल। अच्छा लग रहा है ना ये सॉफ्ट है। ये देखो पोछे है ना ये वाले। ये क्या है ये हाथ में बांधने के ये वाले। हाँ, ये राजस्थानी ड्रेस के साथ पहनते हैं। इन्होंने पूरे ज्वेलर्स से ना कॉपी कर लिया। लाए मेरा मेरा नहीं लाए आज तक। वो भी यहाँ देख के बोल रहे हैं हाँ। यहाँ पे हम ले रहे पर्स गाइस। चारू दिखाना अपना पर्स। चारू साइड करो ये देख। और इसका प्राइस आप बताना कितने का है प्राइस। यहाँ पे जाएगा पेमेंट। इतना सस्ता सो आ गई हूँ मैं घर पे दोस्तों और मैं थक चुकी हूँ। 5 बजने वाले हैं और मैं घर पहुँच गई हूँ और मुझे बहुत थकावट हो रही है यार। जो साथ में थी आज हमारी मोहतरमा चारू, उनसे अभी मुलाकात हुई मेरी। यस्टरडे मैं पार्लर में गई थी। यहाँ पे भी मैं एक दिन गई थी यानी कि अभी एक दिन पहले ही। यहाँ पे कार्तिकी खेलने के लिए आता है फुटबॉल तो वो मैंने कैप्चर लिया। और यहाँ पे कैंट के अंदर ये वाला पार्लर मतलब मैंने दिखाया पहले अपने व्लॉग में। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने टर्न का और मुझे अंडर आर्म्स करवाने यहाँ पे मैं कह रही हूँ। और 500 रुपीज़ लेकर मैं आई थी। शाम के टाइम पर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लेडीज़ आ रखी थी। और यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग हो चुकी है, ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है मेरी, साल भर में एक बार मैं बनवाती हूँ। और फिर बस यहाँ पे नया स्टॉक था तो यहाँ पे जब तक मेरा बाकी चीज़ जो मुझे करवानी थी उसका आधा नंबर क्योंकि यहाँ पे थ्रेडिंग वाले ज़्यादा आ रखे थे उनकी थ्रेडिंग एक लेडीज़ को ज़्यादा जल्दी हो रही थी तो उसको मैंने कहा चलो कर लो। उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पे एंड देन उसके बाद मेरा नंबर आया और मैंने करवाई हल्की फुल्की वैक्स पैरों की। पैरों में भी ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है। और फिर थोड़ा क्लीन अप करवाया फेस का। बस उसके बाद चारों ने मुझे छोड़ दिया घर और मैं पार्लर में देखो मैंने क्या क्या करवाया।
सो मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी कि हस्बैंड आने वाले पिंकी क्या तैयारी कर रही हो. सो हस्बैंड के लिए नहीं, ये खुद के लिए मैं तैयारी करती हूँ. और जैसे ही अपनी क्लीनिनेस, मतलब जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है, तो क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी होती है. सो बहुत ज़रूरी होती है. और ये हम किसी के लिए नहीं करवाते हैं, हम खुद के लिए करवाते हैं. सो अच्छा लगता है. सो एनीवे दोस्तों, अभी बहुत टाइम, शाम हो गई है शाम, और हम चले गए थे 12:30 बजे, 1 बजे, और यहाँ से दूर है मार्केट, तो टाइम लग जाता है जाते जाते. सो मुझे जो ज़रूरत, मतलब मुझे तो खैर नहीं करनी थी ख़रीदारी, हाँ कुछ थोड़ा लेना था, लेकिन उसको लेना था. और आज मेरे ससुर जी की भी श्राद्ध है, तो ऐसा कुछ लेना नहीं था, बट कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो ख़त्म हो रही थी, तो मुझे पर्सनल अपने लिए वो लेना था. ये लिप